नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। फेमस टीवी एक्ट्रेस अपरा मेहता ने हाल ही में अपना 63वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। उन्होंने 3 साल की उम्र में 15 अगस्त के दिन देशभक्ति गीत आज हिमालय की चोटी से हमने फिर ललकारा है गाकर लोगों का दिल जीत लिया था। उनका जन्म 13 अगस्त 1960 को गुजरात के भावनगर में हुआ। अपरा मेहता ने ड्रामा, टीवी, फिल्म और अब वेब सीरीज में भी काम किया है। अभिनय उन्हें विरासत में मिला है। उन्होंने अपने करियर में कभी असफलता नहीं देखी। उनकी मां मंदाकिनी बेन भी अपने जमाने की फेमस एक्ट्रेस थी। अपरा मेहता की मां सेंट्रल सॉल्ट रिसर्च की कर्मचारी भी थी, जबकि पिता उषाकांत शिपिंग के बिजनेसमैन थे। अपरा मेहता कहती है, मेरे माता पिता ने मुझे जैसा सिखाया और मैंने गाया। उस समय मैं मुश्किल से 3 साल की थी। अपरा ने अपने 25 साल के टीवी करियर में एक भी चैनल ऐसा नहीं है जिसमें काम न किया हो। इसमें कई चैनल तो अब बंद हो चुके हैं, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही सीरियल 7 साल से भी ज़्यादा समय तक चला। इस सीरियल में अपरा मेहता को सविता का रोल कैसे मिला, इस बारे में बात करते हुए कहती है, एकता कपूर सीरियल एक महल और सपनों का देख रही थी और तभी उन्होंने मुझे सविता का रोल ऑफर किया। मैंने उस वक्त एकता से कहा, मैं ये सीरियल नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास बहुत काम है। तो एकता का जवाब था, अगर आप हाँ कहेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर मैं सीरियल में काम करने के लिए तैयार हो गई। इस सीरियल से एक्टर्स को अच्छे पैसे मिलते थे। मुझे गर्व है कि मैं इस सीरियल का हिस्सा थी, क्योंकि इस सीरियल के हर एक्टर को उनकी किस्मत के मुताबिक सब कुछ मिला है। क्योंकि की सफलता थी कि प्रधानमंत्री ने मुझे डिनर पर बुलाया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे पत्र लिखकर पूछा, प्रिय अपरा, क्या तुम हमारे साथ रात्रि भोज के लिए आओगी? तुम आओगी तो अच्छा लगेगा। 11 मई 2004 को मैं डिनर के लिए प्रधानमंत्री आवास गई। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।